यहाँ हम जानेंगे विधि और न्याय के बारे में कि कौन से लॉ बने हैं, कौन से एक्ट बने हैं, किस एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो दूर संचार विधेयक टेलीकॉम बिल आया है 2023, ये कहाँ पारित हुआ, राज्यसभा में। और यह विधेयक जो है, यह बिल क्या करेगा, जो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 है और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 है एंड टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा एक्ट 1950 है, इसका स्थान लेकर इन तीनों की जगह अब क्या बनेगा, टेलीकॉम अभी बिल है, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1977 में भी संशोधन करेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में भी ये क्या है, अमेंडमेंट करेगा। इस विधेयक में क्या होगा, केंद्र सरकार को अगर लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उन्हें निलंबित या प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। तो ये था क्या, टेलीकॉम बिल 2023। नेक्स्ट केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023। यहाँ पर जीएसटी जो 2017 में आया था, जीएसटी एक्ट 2017, उसमें सेकंड संशोधन है, जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। अब इसमें क्या होगा, जो अपीलेट अधिकरण है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके अध्यक्ष की उम्र 67 से 70 वर्ष और सदस्य की 65 से 67 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। किसमें, जीएसटी की जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पदाविधि विधेयक 2023। यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर जो और उनके साथ होते हैं, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पर चुनने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अब विधेयक के प्रावधानों के अनुसार क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री कोई भी, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे, ठीक है। तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023। तो बिहार विधानसभा द्वारा 10 नवंबर 2023 को ये पारित हुआ। अब इसमें जातिगत आरक्षण जो 50% था उसको 65% कर दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ ही जो केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है, तो अब बिहार में कुल आरक्षण कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता के संबंध में फैसला, यहाँ ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है बिल्कुल। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है। समलैंगिक जो सेम जेंडर के विवाह होते हैं उनको कानूनी तौर पर वैधता देने से मना कर दिया है और बच्चा भी गोद नहीं ले पाएंगे, अनुमति इसकी भी नहीं दी है। ये फिर से गलत है, यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, तो वो किस में शामिल हो गया है, NJDG में, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पोर्टल में शामिल हो गया है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करेगा। अब इसमें क्या होगा, इस अधिनियम में जो केंद्र सरकार को राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के जो कार्य कार्यकाल सेवा संबंधी जो भी शर्तें होती हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, किसको, केंद्र सरकार को। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव दिल्ली के और प्रधान गृह सचिव दिल्ली के शामिल होंगे। यह प्राधिकरण अधिकारियों के जो ट्रांसफर होता है, नियुक्ति होती है, जो भी कार्रवाई होती है डिसिप्लिनरी, तो दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु अधिनियम 1979 में संशोधन करता है और इसके अनुसार रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाएगा। जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 ये 2002 में संशोधन करता है, राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट 2023 ये क्या करता है, अधिनियम जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 है इसको निरस्त कर दिया है और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान है, इसमें 29 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह अधिनियम दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करता है और इसमें 33 केंद्र सरकार 33 सदस्य राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी और दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की भी स्थापना करेगी। इसमें कितने थे, इसमें 29 होंगे और इसमें 33 होंगे। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह अधिनियम किसको निरस्त करेगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग और अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को। इसके तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करेगा। इसमें क्या है, गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, अर्थ साइंस सहित जितने भी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें रिसर्च, नवाचार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्या बना है, NRF की स्थापना का प्रावधान है। तो ये रिसर्च से संबंधित है और रिसर्च भी किस क्षेत्र में, फिजिकल साइंस में। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसमें क्या, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919 इसको तेलंगाना उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। फैसला किसने सुना है, मुख्य न्यायाधीश जो तेलंगाना हाई कोर्ट के थे उज्ज्वल भुइया और न्यायमूर्ति CV भास्कर रेड्डी ने सुना है। विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जो राजद्रोह है, सेडिशन का चार्ज, IPC की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष या आजीवन कारावास की अवधि को बढ़ाकर क्या कर दिया है, 7 वर्ष और आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई है।